हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। आज हम इस वीडियो के अंदर एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ साझा करना चाहते हैं। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि अगर आप किसी भी सरकारी वकील को नियुक्त करना चाहते हैं तो आपको कौन-कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा और कौन-कौन से कानूनी प्रावधान हैं जो हमें यह कहते हैं कि हमें लीगल एड लेने का अधिकार है, यानी कि कानूनी सहायता लेने का अधिकार है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। बात करें किस तरीके से आप एक सरकारी वकील नियुक्त कर सकते हैं और सरकारी वकील की नियुक्ति करने के लिए आपको क्या स्टेप लेने होंगे। सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आप एलिजिबल होने चाहिए। अब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपको पता कैसे चलेगा, इसके लिए आपको लीगल एड में जाना होगा। जो लीगल एड डिपार्टमेंट होता है हर एक कोर्ट के अंदर, वो उनका कार्य यही होता है कि जो भी व्यक्ति फाइनेंशियली अपने केस को खुद अपने पैसे से लड़ने के लिए सक्षम नहीं है, यानी उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, इसलिए वो सरकार की मदद ले सकते हैं, कानूनी सहायता ले सकते हैं और अपने केस की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको लीगल डिपार्टमेंट, जो लीगल एड डिपार्टमेंट है, वहाँ पर जाना होगा, यानी कि कानूनी सहायता विभाग जो है वहाँ पर आपको जाना होगा। हर कोर्ट के अंदर ये होता है, स्टेब्लिश किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो ताकि हर एक व्यक्ति को कानूनी मदद दी जा सके। अब जो सरकारी अधिवक्ता है, इसकी नियुक्ति क्या कोर्ट डायरेक्ट भी कर सकती है? तो आप इसका जवाब है हाँ। जब आपके केस की प्रोसीडिंग चल रही है तो ऐसे में केस की प्रोसीडिंग के दौरान ही आपसे पूछा जा सकता है, अगर आपके केस में कोई भी कार्रवाई सही से नहीं हो रही है, आप खुद ही प्रेजेंट हो रहे हैं, ना आपको कानूनी ज्ञान है, तो ऐसे में जो भी जज साहब है वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपको किसी कानूनी सहायता की ज़रूरत तो नहीं है। तो ऐसे में तब आप जो है जज साहब को कह सकते हैं, या उनके पूछने से पहले भी आप कह सकते हैं कि मुझे जो है सरकारी अधिवक्ता की ज़रूरत है, मेरे पास इतना पर्याप्त धन नहीं है ताकि मैं अपनी कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए एक अधिवक्ता को अपॉइंट कर सकूं, एक एडवोकेट को अपॉइंट कर सकूं। तो ऐसे में वो आपको एक सरकारी वकील जो है नियुक्त कर देंगे और आपको बोल देंगे कि ये आपका सरकारी वकील है, इसकी इन्फॉर्मेशन उनसे आप ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर अब आपको क्या स्टेप लेना होगा, जैसे ही ये सरकारी वकील नियुक्त किया जाता है तो उसको आपको सारी जानकारी देनी होती है कि कौन सा आपका केस है, किस कोर्ट के अंदर चल रहा है, इसके अलावा कोई और केस तो नहीं है। हर एक जानकारी उस अधिवक्ता को बतानी होती है ताकि वो आपकी कानूनी रूप से संपूर्ण रूप से आपके साथ न्याय किया जा सके। अब बात करें कानूनी क्या प्रावधान है जो हमें कहते हैं कि हमें लीगल एड यानी कि कानूनी सहायता लेने का अधिकार है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला है हमारा सेवा अधिकार अधिनियम, जो कि सेवा प्रदान करता है, यानी कि कानूनी रूप से, सरकारी रूप से सेवा प्रदान की जाए आप सभी व्यक्तियों को, जो कि कानूनी रूप से, जो कि फाइनेंशियली सक्षम नहीं है अपने केस को सवैल लड़ने के लिए। तो ये हमारा एक ऐसा अधिनियम है जो हमें मदद करता है हमें लीगल एड लेने में। बात करें कि इम्पोर्टेंट केस था जिस केस के अंदर यह कहा गया था कि मौलिक अधिकार जो हमारा फंडामेंटल राइट जो हमें दिए हुए हैं आर्टिकल 21 के अंदर, जो बात करता है हमारा जीवन जीने के अधिकार से, तो जीवन जीने का अधिकार जितना जरूरी है उतना ही जरूरी हमें क्या है, कानूनी मदद पाना। तो हुसैनरा खातून वर्सेस बिहार राज्य का ये मामला है, इस केस के अंदर यह बात कही गई थी और हमें मुफ्त लीगल एड लेने का अधिकार है, ये भी इस केस के अंदर कहा गया था। इसके अलावा हमारे भारतीय संविधान में एक आर्टिकल भी है, एक अनुच्छेद है 39 कैपिटल ए, जो बात करता है
कि सरकार यह व्यवस्था करेगी कि जिस किसी को भी कानूनी सहायता की जरूरत है, चाहे उसे वो कंसल्टेशन की जरूरत हो, यानी कि आपको कोई जानकारी चाहिए कानूनी रूप से, या आपको कोई अधिवक्ता नियुक्त करना है, तो इस अनुच्छेद के अनुसार जो सरकार है वो व्यवस्था करेगी हर एक व्यक्ति के लिए जिसको किसी भी तरीके से कानूनी व्यवस्था की जरूरत होती है। अब बात करते हैं, आपने एक टर्म सुनी होगी एमिकस क्यूरिया। एमिकस क्यूरिया क्या होता है? न्याय का एक मित्र होता है जो सरकारी खर्चे पर नियुक्त किया जाता है ताकि पार्टी की मदद की जा सके। बात करें सरकारी अधिवक्ता आपके केस को क्या सही तरीके से लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, तो ये जो प्रश्न है ये डिपेंड करता है आपको कौन सा अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। अगर आपको अधिवक्ता सही तरीके से नियुक्त नहीं किया गया है तो आप उसके लिए आगे भी कार्रवाई कर सकते हैं। बात करें कानूनी अधिवक्ता जो आपको नियुक्त किया जा रहा है, तो ऐसे में कौन कौन सी जानकारी है जो कि आपने उसको साझा करनी है? आपने वो सभी जानकारी देनी होगी जो कि आपके केस से संबंधित है। तो आई होप आपकी ये आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।